गुना के शास्त्री पार्क के बाहर एक बार फिर संविदा स्वास्थ्य कर्मी जुड़ने जा रहे हैं। ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी सरकार से फिर नाराज़ हो गए हैं, जिसमें कि उन्होंने सरकार से अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और हड़ताल की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री से भी इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी अब तक इनके नियमितीकरण करने के आदेश नहीं आए, जिसके बाद हाउस ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार उन्हें सिर्फ आश्वासन भर दे रही है, उनके नियमितीकरण को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे नाराज जिले भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मी एक बार फिर कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं। ये कैंडल मार्च शहर के शास्त्री पार्क से शुरू होगा, जो गुना शहर के मार्गों से होकर निकलेगा, जिसमें ये संविदा कर्मी सरकार का ध्यान आकर्षित कर आएंगे, उनकी मांगों को पूरा किया जाए और उनके नियमित करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। हम लोगों का जो क्रमिक अभी हड़ताल हुई थी, उसी संदर्भ में जो प्रांत से हम लोगों को आदेश दिया गया है, उसके तहत आज हमने 5 जून 2018 की जो नीति थी, जो आज तक लागू नहीं हुई, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि संविदा अभिशाप है और मैं इसको दूर करूँगा, चूँकि हमारी नीति अभी तक नहीं बनी है, तो इसके संदर्भ में आज 5 वर्ष हो गए और उसी के उसमें हम लोगों ने एक हमारे लिए तो ये शोक का ही विषय है, तो उसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से अपने CMHO सर को, और शाम को हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे।